नहीं, आचार्य कुंभकार एक दोहा भी आता है ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। किंतु नहीं, माता है कुंभकार। यदि याद करें तो माता कुंभकार है और शिष्य गुरु तो चित्रकार है। जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है, कहीं से कुछ टेढ़ा मेढ़ापन उसमें रह जाए तो एक चित्रकार उसको सजा करके और उस चित्र पर ही, चित्रकला पर ही ध्यान जाता है, उसके टेढ़ेपन हमारे से छिप जाता है। माता ही है एक तरफ, जैसे घड़ा बनाता है कुंभकार, अंदर से हाथ सहार देता है और ऊपर से थपकी दे करके घड़े को गोल बना देता है। माता का एक हाथ वात्सल्य का है तो दूसरा हाथ उसका ताड़ना का भी है, जैसे कुंभकार का होता। इसलिए महर्षि दयानंद ने उसी सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में कहा, लाल ना श्रेणो दोषास ताड़ ना बहवो गुणा, तस्मात पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु केवलम लालयेत। मैं केवलम शब्द का अध्याय कर रही, इसलिए अपने पुत्र को माता और आचार्य क्या करे, माता पिता और आचार्य न लालयेत ताड़येत, उसकी लालना और ताड़ना दोनों लेकर के चले और बहुत सूक्ष्मता से उसके संस्कारों का विचार करें। तो ये है बालक निर्माण की, जब तक मातृशक्ति के अंदर ये भाव नहीं बनेंगे कि बालक के निर्माण में मेरी जितनी महत्वपूर्ण भूमिका किसी की भी नहीं है, तब तक हम बाल संस्कार अपने बच्चों को संस्कारित नहीं कर पाएंगे, बाल संस्कार के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। ये बात माता के बालक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के स्वरूप के प्रतिपादन के पश्चात महत्वपूर्ण मान करके उसका प्रतिपादन किया, बाल शिक्षा का विषय दूसरे समुलास में दिया। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अब बच्चे तो हमारे, आप सब मेरे सामने जो बैठे हैं, अब कोई बच्चों को तो जन्म देने वाली मुश्किल ही होगी, अब क्या करें? अब एक ज्वलंत प्रश्न है, हम क्या भूमिका निभाएं जो सामने बैठे हैं? आज ये विचार का विषय, आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, प्रत्येक क्षेत्र में चुनौती है। उस चुनौती को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आप और हम जो एक आयु के उस पड़ाव से निकल गई हैं, तो हम कैसे बच्चों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं? उसमें पहली भूमिका, हमारे घर में चाहे हम दादा दादी के रूप में हैं, चाहे माँ के रूप में हैं, किसी भी रूप में है, नाना नानी के रूप में है, वहाँ पर हमें क्या करना है कि उन बच्चों को जो हमारी दादी नानी, उन बच्चों को जो अपनी घर में सोते सोते जागते जागते उन बच्चों को जो संस्कार देती थी, आज हमें संतानों को संस्कार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। दादी नानी की कहानी उसकी तरह निभानी पड़ेगी। यदि उन्हें अपसंस्कृति से बचाना है, शिक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार और संस्कृति ये एक त्रिवेणी है। शिक्षा से संस्कारों की धारा बहती है, जिस शिक्षा में संस्कारों की धारा नहीं है वो शिक्षा केवल मात्र एक आजीविका का साधन तो हो सकती है, वो मानव निर्माण का साधन नहीं हो सकती। वो एक अच्छा अभियंता नहीं बना सकती, इंजीनियर नहीं बना सकती, एक अच्छा अधिकारी नहीं बना सकती, एक अच्छा वकील और जज नहीं बना सकती, एक अच्छा राजनेता नहीं बना सकती। वो शिक्षा केवल पैसा कमाना सिखा सकती है और पैसे से भोग भोगना सिखा सकती है, किंतु वो मानव निर्माण नहीं कर सकती। किंतु जिस शिक्षा में संस्कारों का आधान हो जाता है वो शिक्षा फलवती हो जाती है।
शिक्षा का पहला फल संस्कार है। ये आजीविका तो चौथा सोपान है। पहला सोपान संस्कार। यदि शिक्षा आधार है तो उसके बाद पहली सोपान है तो दूसरी सोपान संस्कार है। तीसरी सोपान योग्यता है। उसको कोचिंग ना लेनी पड़े, वो अपनी विद्यालय महाविद्यालय की शिक्षा में इतना योग्य बन जाए कि उपाधि अपने आप सम्मान के साथ मिल जाए उसको। तो तीसरा सोपान उपाधि और चौथा सोपान आजीविका है। किंतु हमने शीर्षासन कर दिया। कैसे मानव का निर्माण होगा? बस केवल मात्र शिक्षा का उद्देश्य आजीविका मात्र रह गया। ये मानव निर्माण की परंपरा नहीं है। इसलिए संस्कार पहली जो चीज है वो आप दादी नानी ताई चाची मामी बुआ कुछ भी बन करके वो बच्चे आपके सामने आते हैं तो संस्कारों की थाती को उनके अंतःकरण में भर दीजिए। छोटी छोटी बातों में चर्चा करते हुए भर दीजिए तो वो अब संस्कृति का सामना कर पाएंगे। नहीं तो संस्कृति की शिक्षा संस्कार और संस्कृति तो हमारी गिरती जा रही है। पाश्चात्य अपसंस्कृति हमारे बच्चों के लिए क्या बन गई है? आभूषण और आकर्षण का केंद्र बन गई है। बस उसी का आकर्षण है। हमारे बच्चों को पहनना नहीं आता, खाना नहीं आता, देखना नहीं आता, चलना नहीं आता, संगति नहीं करनी आती, कुछ भी नहीं आता। आप कहेंगे शिष्ट हैं, ये नहीं है। यहां तो भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्येम क्षभीर यजत्रः स्थिरैरंग स्तुष्टुमांसस्तनु भीर व्यशेम ही देवहितम यदायु। यहां देवत्व का जीवन पाना है तो भद्रम करणे भी, इन कानों से भद्र देखना पड़ेगा। और भद्र केवल अच्छा नहीं है, भद्र नाम की परिभाषा यदि हमें जाननी है तो महर्षि पाणिनि से पूछें। वो क्या कहते हैं भद्र? भदे कल्याणे सुखे च। वहां पर उन्होंने दो चीजें की। भद्र वही है जिससे कल्याण हो और सुख का अनुभव हो। हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी जो भी कुछ फिल्में देखना, सीरियल देखना, मोबाइल देखना, बाजार देखना, जो भी कुछ अपसंस्कृति में है वो देखना, सुख मिलता है उसको देखने से। किंतु कल्याण कितना है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती। किंतु महर्षि पाणिनि तो ये कहते हैं भद्र वो है कि कल्याण पहले होना चाहिए, सुख बाद में होना चाहिए, उसका नाम भद्र है। तो यहां तो वेद में ये प्रार्थना है कि भद्र को प्राप्त करो। किंतु कोई भी किसी भी इंद्रिय से कोई भी विषय के पास जाओ तो पहले हमें यह दिखना चाहिए इससे कल्याण होगा। यही ऐसी दूरदर्शिता से यदि उस इंद्रिय से विषय को पकड़ते हैं तो समझिए कि भद्र होगा, वो भद्र है। सुख दूसरी चीज है, यहां तो कल्याण पहली चीज है। यदि उसका परिणाम केवल भोग और सुख है तो वो भद्र नहीं है। फिर वो आंखों से देखना नहीं आता, कानों से जो कुछ सुनते हैं उससे कल्याण पहले होना चाहिए, रस बाद में आना चाहिए, तो भद्र है, कानों का भद्र है, अन्यथा वो भद्र नहीं है। स्थिर ही रंग स्तुष्टुवांस है, कितनी सुंदर बात कही। अंग चंचल नहीं होने चाहिए, सब अपने बच्चों को प्रसन्न रखना चाहते हैं किंतु अंग चंचल हैं, सारी इंद्रियां चंचल हैं, प्रसन्नता कैसे मिलेगी? यहां तो सारी इंद्रियां हमारी कैसी होनी चाहिए? चंचल नहीं,
स्थिरई रंग ही, चंचलता से रहित अंगों के द्वारा ही तुष्ट वांसह प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपने इस मानव शरीर के द्वारा देवहितम यदायुः देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये है अपने बच्चों को हमें सिखाना है कि किस इंद्रिय से क्या देखना है, आंख से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, पैरों से किधर चलना है, हाथों से क्या करना है, मन से क्या संकल्प विकल्प करना है, बुद्धि से क्या निश्चय करना है। सारी पांच ज्ञानेंद्रियां, जिह्वा से क्या खाना है जिससे कल्याण हो और सुख भी मिले, वो खाना है। कैसे वस्त्र पहनने हैं, सामने से देखने वाले के मन में वासनाएं न भड़के, ऐसे वस्त्र पहनने। कैसे बैठना है, सभे ओ युवा, हमारे बच्चे युवा सभा में बैठना आना चाहिए उनको, तब नारी पुरंधी बनती है। बच्चों को का निर्माण करते करते नगर को धारण करने वाली बन जाती है, ये है मातृशक्ति, ये है मातृशक्ति। परिवार को भी धारण करेगी, समाज को भी धारण करेगी और नगर को भी धारण करेगी और एक दिन राष्ट्र को धारण करके और वेद के इस वाक्य को पूरा कर देगी, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ है, नारी ब्रह्मा है, वो निर्मात्री है। किंतु ये यात्रा आरंभ होगी बालक के निर्माण से। तो मैंने पहली बात कही आपको कि संस्कारों को सुसंस्कारों को प्राप्त कराने की चुनौती हमारे सामने है, तब हम अपसंस्कृति का सामना कर पाएंगे। दूसरी, हम अपने बच्चों को अपने जो आदर्श हैं, हमारे महापुरुष, हमारे बालक, इतिहास के आदर्श बालक, उनके उन आदर्शों के प्रति अपने बच्चों में श्रद्धा और सम्मान का भाव जगा दें कि हमारे आदर्श कौन बालक हैं, कौन महापुरुष हैं, ये भाव उन बच्चों में कूट कूट करके भर दें, तो हम अपने बच्चों को संस्कारी बना सकते हैं, ठीक दिशा में लेके के जा सकते हैं, ये मातृशक्ति कर सकती है। तीसरी चीज जो यहां पर आती है, अपने जो सिद्धांत हैं, वैदिक सिद्धांत हैं, उन वैदिक सिद्धांतों को उन बच्चों को बात बात में ही भर दें। आज किसी अन्य तथा कथित संप्रदायों में उनके बच्चों से पूछो, आपका धर्म ग्रंथ क्या है, आपका धर्म क्या है, वो बताएंगे। किंतु हमारे बच्चों से पूछो, मैं बहुत परिवारों में जाती हूँ, मैं पूछती हूँ पुत्र आपका धर्म क्या है, उसको पता ही नहीं मेरा धर्म वैदिक धर्म है। हम उनको एक वाक्य याद करा सकते हैं, कोई भी पूछे मेरा धर्म वैदिक धर्म है, क्योंकि वेद ज्ञान सृष्टि के आरंभ का ज्ञान है, मानव मात्र का धर्म वैदिक धर्म है। किंतु यदि कुछ तथाकथित संप्रदाय वाले इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, हम तो जानते हैं ना, हमने तो आर्य समाज के मंचों से और अपने वैदिक ग्रंथों से इस चीज को समझा है, पढ़ा है, हम अपने पुत्र पौत्र सब बच्चों को ये याद करा दें कि मानव मात्र का धर्म वैदिक धर्म है और मेरे पुत्र तेरा मेरा धर्म भी वैदिक धर्म है, और मेरे धर्म ग्रंथ क्या हैं उनसे पूछो, सब बता देंगे। किंतु हम पूछें तो हमारे बच्चे क्या बोलेंगे, गीता रामायण, वो हमारे आदर्श ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे हमारा चरित्र बनेगा, उनके आदर्श चरित्रों को पढ़ करके।
वो बहुत बड़ा एक आत्मा और शरीर को पृथक पृथक दिखाने का एक आध्यात्मिक ज्ञान है गीता, किंतु है तो वो ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से सिखाया जाने वाला आध्यात्मिक ज्ञान। पर वेद हमारा धर्म ग्रंथ है, मानव मात्र का धर्म ग्रंथ है। हम अपने बच्चों को ये मोटी मोटी बातें नहीं सिखा पाते, बड़े बड़े सिद्धांतों की चर्चा तो कैसे सिखा पाए। चलते फिरते आप पार्क में घूमने जाएं, बच्चे आए हैं, बैठा लो उनको और ये छोटी छोटी बातें याद करा दे। ये है अपने सिद्धांतों का ज्ञान देना। सिद्धांतों का छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा, छोटी छोटी बातों के द्वारा अपने सिद्धांतों की घुट्टी उन बच्चों में डाल दें। ये एक आयु के बाद हमारा कर्तव्य मृत्यु तक चलेगा। यह है मातृशक्ति के द्वारा मानव निर्माण। और तीसरा अगला है अपने कुल परंपराओं का बोध कराना और उसका पालन करवाना। पुत्र, मेरी यही कुल परंपरा है, मेरे अपने कुल की ये परंपरा है, इसका ज्ञान कराएं और उसका पालन करवाएं तो परिवार नहीं टूटेंगे, परिवार बस जाएंगे, समाज नहीं टूटेगा, वहां एक संगतिकरण होगा, हमारा प्रतिवेशी हमारा मित्र होगा। तो ये क्या है, अपने कुल परंपराओं का ज्ञान कराना और उसका पालन करवाना।